अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपको मेरे पीछे के तीन तरह के ऑयल नज़र आ रहे होंगे। हाँ जी, तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी सी एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। हमारे अक्सर लोगों को पाँव के नीचे वाला जो एरिया होता है, जिनको हम तलवे भी बोलते हैं, वहाँ पर जलन वगैरह की शिकायत रहती है, और इसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों को टांगों में भी दर्द होती रहती है, स्पेशली जो पिंडलियाँ होती हैं वहाँ पर दर्द की शिकायत रहती है। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो चलें, फिर टाइम को हम मज़ीद वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये वजह जानना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में, हमारी टांगों में पेन क्यों है। अच्छा, अक्सर लोगों को, बल्कि मुझे तो लगता है कि आजकल ज़्यादातर लोगों को आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह की कमी होती है, क्योंकि हम लोग अपनी डाइट अच्छी नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से इन तमाम चीज़ों की हमारी बॉडी में कमी होने की वजह से हमें टांगों में, बॉडी में, हड्डियों में दर्द वगैरह रहता है। और इसके अलावा जो है, जिन लोगों का वेट उनकी हाइट के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से डबल ट्रिपल होता है, तो वो भी अगर थोड़ा सा भी चले फिरेंगे तो उनको टांगों वगैरह में, हड्डियों वगैरह में दर्द रहता है। और फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तब भी हमारे बॉडी में पेन होता है, हमारी टांगों में पेन होता है। या फिर जो लोग ज़्यादातर बैठे ही रहते हैं, जब वो थोड़ा बहुत भी चले फिरेंगे तो उनको टांगों में पेन होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है, आपको वजह जानना ज़रूरी है कि किस वजह से हमारी बॉडी में पेन है। खुराक को अच्छा करना होगा, जिसमें कैल्शियम, पोटाशियम वगैरह की वाफर मिकदार मौजूद हो, हमें वैसी खुराक लेनी होगी। और उसके साथ साथ हमें करनी होगी ये रेमेडी अप्लाई, जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आप इसको 15 दिन तक मुसलसल कीजिएगा, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे। आपने करना क्या है कि ये जो मेरे पीछे आपको ये तीन तरह के ऑयल पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ कि ये कौन से ऑयल हैं और हमने इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, तो अब आपने करना ये है कि ये जो तीन ऑयल हैं, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, इन तीनों ऑयल को आपने इक्वल क्वांटिटी में लेना है, और इसको जो है अच्छे से मिक्स करके एक अलग बोतल में, आपने एयर टाइट बोतल में, प्लास्टिक की हो या ग्लास की हो, उसमें इन तीनों ऑयल को इक्वल क्वांटिटी में लेके रख लेना है, ऑयल बना के रख लेना है। लेकिन ऑयल सिर्फ यही तीन होंगे, आलमंड, कोकोनट और मस्टर्ड, ठीक है। इसके अलावा अगर आप खुशबू के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लेवेंडर ऑयल को इस्तेमाल कर लीजिएगा, उसके सिर्फ 5 से 10 ड्रॉप शामिल कीजिएगा। लेकिन जो बेसिक, जो हमारी रेमेडी के लिए जो ऑयल इस्तेमाल होंगे वो यही हैं, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, इक्वल क्वान्टिटी में लेके रोज़ाना रात को आपने सोने से पहले 15 मिनट्स तक अपने जो पाँव के तलवे होते हैं वहाँ पर मसाज करें, अपनी टांगों पर मसाज करें, स्पेशली जो आपकी पिंडलियों का जो एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर लोगों को पेन भी होती रहती है, वहाँ पे मसाज कीजिएगा। 15 मिनट्स तक कीजिएगा और 15 डेज कीजिएगा, आपको ज़रूर इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। कुछ लोगों के माइंड में ये भी सवाल होगा कि कौन से लोग इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, कौन इसको नहीं कर सकता। इस रेमेडी में जो ऑयल इस्तेमाल हुए हैं, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, इससे कुछ भी हार्मफुल नहीं है, इसलिए तमाम एज ग्रुप के लोग जो हैं ये वो रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। रात को सोने से पहले आपने 15 मिनट तक अपने पाँव के तलुओं में और अपनी टांगों पर इसकी मसाज करनी है, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि इसके फ़ायदे ही हैं।